जी बिल्कुल, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तो इन्हें इलेक्शन कमीशन जो है इस केस की आज समाअत हुई है। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में तीन रुकनी कमीशन जो है इसने समाअत की है। फैसल चौधरी और अनवर मंसूर जो हैं आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं और फैसल चौधरी की तरफ से ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी वापस दी गई है उस पर भी यहाँ उन्होंने नुक्ता उठाया है, जिस पे वकील फैसल चौधरी ने ये भी कहा कि इमरान खान पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों पर वो दलाइल दे रहे थे। तो मेंबर निसार दुरानी की तरफ से कहा गया तो आज तो आपने दलाइल देने थे लेकिन आप दलाइल नहीं दे रहे, जिस पे फैसल चौधरी की तरफ से कहा गया कि हमें मजीद वक्त दिया जाए। अदालतों में बेताशा केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और ATC में केसेज चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें मजीद वक्त दिया जाए जिसके बाद ये समाज जो है वो मुलतवी कर देगी। असद उमर की जानब से भी अनवर मंसूर जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने भी जो है असद उमर कहा कि ATC में पेश हो रहे हैं और 150 से ज्यादा जो केसेज हैं इसमें असद उमर जो है वो पेश हो रहे हैं। तो जिसके बाद इस केस की समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई, 18 अप्रैल को मजीद जो है वो समाप्त होगी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। हमें अपडेट कर रहे थे यासर नजर, बहुत शुक्रिया आपका।